रिसेंटली हुंडई की एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी हो चुकी है। मेरे ख्याल से हुंडई कंपनी ने माफ़ी मांगनी चाहिए और इसका इम्पैक्ट डेफिनेटली इसके सेल्स के ऊपर पड़ने वाला है। और इस पूरे कंट्रोवर्सी के बारे में आपके क्या ख्याल है, आपके क्या विचार है, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बता देना। और मुझे पर्सनली ऐसा लगता है कि इस महीने का जो सेल्स रिपोर्ट रहने वाला है उसके अंदर डेफिनेटली चेंजेस आने वाले हैं और इस महीने टाटा कंपनी सेकेंड पोजिशन पर आ सकती है। डेफिनेटली ये टोटली डिपेंड करता है इंडियन कंज्यूमर के ऊपर, वो किस तरह से इस पूरे मामले को रिएक्ट करती है। और पिछले महीने का अगर सेल्स रिपोर्ट देखा जाए तो टाटा ने बहुत ही बढ़िया तरीके से ग्रोथ हासिल करी है, लेकिन ये तो थोड़ा सा अलग पार्ट हो गया। इस वीडियो के अंदर मैं टोयोटा और मारुति सुजुकी की अपकमिंग मिडसाइज एसयूवी कार के बारे में डिटेल में बात करूंगा, जिसको इसी साल इंडिया में लॉन्च किया जाना है। टोयोटा और मारुति सुजुकी कंपनी एक मिडसाइज एसयूवी कार के ऊपर काम कर रही है, जिसका मुकाबला इंडियन मार्केट में लॉन्च होने के बाद क्रेटा के साथ रहेगा। इसके अलावा ये कार सेल्टॉस को कम्पीट करने वाली है। टाइगुन, कुशक, एस्टोर इन कारों के साथ भी इस कार का मुकाबला रहने वाला है। हालांकि टोयोटा कंपनी भी इस कार को इंडिया में लॉन्च करेगी, इसके अलावा मारुति सुजुकी भी इसको इंडिया में लॉन्च करने वाली है। टोयोटा कंपनी ने इस कार को कोड नाम दिया है D22। जब इसको लॉन्च किया जाएगा इंडिया में तो इसका नाम थोड़ा सा अलग रह सकता है। अगर मैं डिजाइन और एक्सटीरियर लुक की बात करूं तो इसका जो लुक रहने वाला है ये कम्प्लीटली न्यू रहने वाला है, यानी ये कम्प्लीटली नई कार होने वाली है। इसको स्क्रैच से बिल्ड किया जाएगा। इसका एक्सटीरियर लुक और इंटीरियर के फीचर्स कम्प्लीटली नए रहने वाले हैं। लेकिन यहाँ पर एक चीज मैं क्लियर करना चाहूंगा, टोयोटा की इस एसयूवी का लुक और मारुति सुजुकी का इस एसयूवी का लुक टोटली डिफरेंट रहने वाला है। एक ही प्लेटफॉर्म पर और एक ही सेगमेंट में दोनों ही कारों को बनाया जाएगा, लेकिन दोनों ही कारों के इंटीरियर थोड़ा सा अलग रहने वाला है। इसके अलावा एक्सटीरियर लुक कम्प्लीटली डिफरेंट रहने वाला है। हालांकि टोयोटा कंपनी मारुति सुजुकी की कुछ कारों को अपनी बैजिंग लगाकर इंडियन मार्केट में उतारती आ रही है, उनके अंदर आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, जैसे कि ग्लांजा हो गई, इसके अलावा अर्बन क्रूजर हो गई, और बहुत जल्दी अल्टिगा को भी इंडिया में लॉन्च किया जाएगा और सियाज को बेल्टा नाम से टोयोटा की तरफ से इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। इन सभी कारों के अंदर आपको कोई भी चेंजेस देखने को नहीं मिलेंगे, लेकिन ये जो मिडसाइज एसयूवी कार रहने वाली है जिसको इंडिया में बहुत जल्दी लॉन्च किया जाएगा, इसके एक्सटीरियर में चेंजेस हमें देखने को मिल जाएंगे। इसके अलावा इसका इंटीरियर कंप्लीटली डिफरेंट रहने वाला है। अगर मैं एक्सटीरियर डिजाइन की बात करूं तो दोनों ही कारों के एक्सटीरियर में हमें LED DRL का सेटअप देखने को मिल जाएगा, फुल LED हेडलाइट का सेटअप भी दिया जाएगा, फ्रंट के ग्रिल्स भी कंप्लीटली नए रहने वाले हैं। इसके अलावा फ्रंट में स्पोर्टियर बम्पर्स दिए जाएंगे। दोनों ही कारों का रियर का फेशिया कंप्लीटली नया रहेगा, नया LED टेललाइट का सेटअप यूज किया जाएगा दोनों ही कारों के एक्सटीरियर लुक में। तो यहाँ पर दोनों ही कारों का एक्सटीरियर लुक कम्प्लीटली डिफरेंट रहने वाला है, लेकिन यहाँ पर मैं इंजन स्पेसिफिकेशंस के बारे में बात करना भूल गया। कुछ रिपोर्ट्स में यह भी मेंशन किया है कि दोनों ही कारों के अंदर हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल किया जाएगा, यानी माइल्ड हाइब्रिड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल आपको इन दोनों ही कारों के अंदर देखने को मिल जाएगा, जिसकी मदद से दोनों ही कारों का माइलेज और परफॉर्मेंस इंप्रूव हो जाएगा। टोयोटा और मारुति सुजुकी कंपनी इन दोनों ही कारों के अंदर 1.5 लीटर पेट्रोल इंजन दे सकती है, जो कि अच्छी खासी पावर आउटपुट प्रोड्यूस कर लेगा। तो इस इंजन स्पेसिफिकेशन के साथ इन दोनों ही कारों को इंडिया में लॉन्च किया जाएगा। रही बात इंटीरियर की, तो दोनों ही कारों का इंटीरियर कम्प्लीटली डिफरेंट रहने वाला है। डैशबोर्ड डिफरेंट रहेगा, कलर थीम थोड़ा सा अलग रहने वाला है, और दोनों ही कारों के अंदर आपको बड़े टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम मिलेंगे। इसके अलावा मल्टीफंक्शन स्टीयरिंग व्हील का ऑप्शन भी दिया जाएगा। फुल डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल का सेटअप हमें इन दोनों ही कारों के अंदर देखने को मिल सकता है। इसके अलावा दोनों ही कारों के अंदर लेदर का इस्तेमाल किया जाएगा। हालांकि टॉप ऑफ द लाइन वेरिएंट के अंदर लेदर की फिनिशिंग दी जाएगी सीट्स के ऊपर, अपहोल्स्ट्री के ऊपर। इसके अलावा पैनोरामिक सनरूफ का ऑप्शन भी दिया जाएगा। आज के डेट में क्रेटा के अंदर दिया जाता है, लेकिन इन दोनों ही कारों के अंदर हमें पैनोरामिक सनरूफ का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा। इसके अलावा 360 डिग्री कैमरा का ऑप्शन इन दोनों ही कारों के अंदर दिया जा सकता है। वायरलेस स्मार्टफोन चार्जिंग, कार कनेक्टेड टेक्नोलॉजी और बाकी के फीचर्स इन दोनों ही कारों के अंदर दिए जाएंगे। अब बात आती है लॉन्चिंग की। रिसेंटली बहुत सारे रिपोर्ट पब्लिश हो चुके हैं, जिसके अंदर साफ मेंशन किया है कि मारुति सुजुकी कंपनी और टोयोटा इसको फेस्टिव सीजन के आसपास इंडिया में लॉन्च करने वाली है। तो ये दोनों ही कारें इस दिवाली के आसपास इंडिया में लॉन्च होने वाली है। शायद मिड 2022 तक इन दोनों ही कारों को इंडिया में रिवील किया जाएगा, यानी इनके जो फीचर्स रहेंगे, इनका जो एक्सटीरियर लुक रहेगा, वो मिड 2022 तक सामने निकल कर आ जाएगा। रही बात कीमत की, तो इनकी जो कीमत रहेगी वो 9 या फिर 10 लाख रुपए से शुरू हो सकती है बेस मॉडल की एक्शन प्राइस। अब ये टोटली डिपेंड करेगा टोयोटा और मारुति सुजुकी के ऊपर, इन कारों को कितने अट्रैक्टिव प्राइजेस के साथ इंडिया में लॉन्च किया जाता है। आपको क्या लगता है इन कारों की कीमत इंडिया में कितनी होनी चाहिए, कमेंट सेक्शन में जरूर बता देना। इनका मुकाबला रहेगा क्रेटा के साथ, सेल्टॉस के साथ, इसके अलावा टाइगुन, कुशक, एस्टोर के साथ ये दोनों ही कारें कंपीट करने वाली है। तो यार ये छोटा सा वीडियो था, अपने दोस्तों के साथ और परिवार वालों के साथ जरूर शेयर कीजिएगा। वीडियो अगर अच्छा लगे तो जरूर इस वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बेल नोटिफिकेशन को ऑन जरूर कर लेना।